मूवी की शुरुआत होती है और हम रात में एक गांव के खेत को देखते हैं, जहां एक रोशनी से भरी चीज बहुत ही ज्यादा तेज भाग रही होती है। और फिर अगली सुबह वहां खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो घंटा बजाकर अपने तीनों लड़कों को बुलाता है और पूछता है कि हमारे इस खेत की ऐसी हालत किसने की। और फिर वो वहां से जाते जाते अपने बच्चों को रात में खेत की निगरानी रखने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि जब रात होती है तो इवान वहां पर निगरानी के लिए आ जाता है, तभी उसे वहां पर एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही पलों बाद वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत और सफेद घोड़ा उसके सामने आ जाता है, जो कद में बहुत ही लंबा होता है। बात यह है कि यह एक घोड़ी है और हम इस कहानी में इसे मेयर कहके बुलाएंगे। और अब हम इवान को देखते हैं, जो उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर जिसके बाद वह रस्सी के फंदे की मदद से उस मेयर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उल्टा उसी फंदे में फंस जाता है और वह मेयर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है और अब वह हवा में उड़ने लगती है। ये देख इवान बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से वो मेयर एक दलदल में गिर जाती है। अब पहले तो इवान उसकी हेल्प नहीं करता, लेकिन फिर वह तरस खाकर उस मेयर को उस दलदल से बाहर निकालने लगता है और फिर विंडमिल की मदद से उस मेयर को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे खेत को फिर से खराब किया तो मैं तुम्हें ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। और फिर वह मेयर उसकी बात मान जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाती है। और अब पीछे इवान सोचता है कि अब वो उसके पिता से नहीं बचने वाला, क्योंकि मेयर ने उसके खेत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और अब हम अगली सुबह देखते हैं, जहां इवान अपने अस्तबल में सो रहा होता है और तभी अचानक से उसे वहां पर दो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घोड़े दिखते हैं और वहीं पर उसे एक छोटा सा और घोड़ा दिखता है जिसका नाम फाल होता है और वो बात भी कर सकता है। अब फाल इवान से कहता है कि ये दो घोड़े मेरी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं और साथ ही कहता है कि तुम्हें एक मेंटर और दोस्त की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तुम बहुत ही छोटे हो। और तभी वहां पर इवान के पिता आने लगते हैं, लेकिन फाल इवान को खुद पर बैठा कर इतनी तेज रफ्तार से भागता है कि वो कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। और फिर फाल की सिटी में इतनी जोर की आवाज होती है कि वहां पर दो घोड़े भी भागकर इवान के पास आ जाते हैं और उसी वक्त इवान फाल से कहता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेच देगा। और इसके बाद हमें इवान बाजार में नजर आता है और वो बाजार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर सभी लोग इवान के घोड़ों को देखकर उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाल इवान से कहता है कि तुम इन घोड़ों को बेंच पर बैठे उस आदमी को बेच दो। लेकिन इवान उन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता है ताकि वे बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकें। और इसके बाद हमें उस राजा को दिखाया जाता है जो अपने महल में बैठा एक मक्खी को मार रहा होता है और फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ इवान के घोड़ों को देखने आता है। तभी राजा का एक मंत्री राजा को कहता है कि इतने खूबसूरत घोड़े इस लड़के के तो नहीं हो सकते हैं, जरा इस लड़के को तो देखो, इसकी क्या हालत है, इसके पास ये घोड़े कहाँ से आए हैं। और राजा और मंत्री को लगने लगता है कि इवान ने ये घोड़े चोरी किए होंगे और फिर राजा इवान के घोड़ों को अपने पास जब्त कर लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। अब इवान को एक भी पैसा नहीं मिलता है। इस बात पर इवान बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वह फाल से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज इन घोड़ों को मेरे पास वापस ले आओ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। और जिसके बाद फाल फिर से सीटी बजाकर उन सभी घोड़ों को अपने पास ले आता है। इधर घोड़ों के तेज भागने की वजह से राजा अपनी बग्घी से गिर जाता है और उसका मुंह पूरा सफेद हो जाता है, जिसके बाद इवान जोर जोर से हंसने लगता है और राजा को उसके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। और फिर राजा इवान को घोड़ों की कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजा के मंत्री राजा के साथ सोच विचार करते हैं और राजा से कहते हैं कि इस लड़के को हम लोग अपने पास काम पर रखते हैं और इससे आपकी बेइज्जती का बदला भी ले लेंगे। जिसके बाद राजा इवान को अपने पास जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाता है और इवान भी राजा के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इवान बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहने लगता है और वहाँ के लोग भी उसकी खुशी में खुश होते हैं, जिस वजह से राजा को उससे नफरत होने लगती है। और फिर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि हमें इवान को ऐसा मुश्किल काम देना होगा जिसे वे पूरा ना कर पाए, और जिसके बाद वे उसे फायर बर्ड को लाने को कहते हैं और कहता है कि अगर वे फायर बर्ड को नहीं ला पाया तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। अब बात यह है कि फायर बर्ड को आज तक कोई भी नहीं ला पाया है और ये काम करना लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद इवान फाल से कहता है कि हमें राजा ने जो मुश्किल काम दिया है हम उसे पूरा करेंगे, जिसके बाद राजा हमको बहुत सारा सोना देगा। लेकिन फाल राजा की नीयत को पहचान जाता है और इवान को समझाता है कि तुम्हें इस काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मुश्किल है और खतरनाक है, इसे आज तक कोई नहीं कर पाया है, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन इवान नहीं मानता है। फिर फाल इवान को अपनी पीठ पर बैठा कर दूर दराज एक जंगल में ले जाता है, जहां उसे ड्रीम नट्स दिखते हैं। और ड्रीम नट्स जब इवान खाने लगता है तब फाल इवान से कहता है कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आएगी। और फाल कहता है कि ड्रीम नट्स फायरबर्ड को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, अगर फायरबर्ड ने इसे खा लिया तो उसे भी बहुत ही गहरी नींद आएगी और जिसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर वे दोनों रेगिस्तान में जाते हैं, जहां फायरबर्ड जमीन के अंदर होते हैं। और फिर इवान ड्रीम नट्स को रेत पर फेंक
फेंकता है और तभी फायरबर्ड रेत में से निकलता है जिसमें से बहुत सारी चिंगारी निकल रही होती है और वे आसमान में उड़ने लगता है, जिसे देखकर इवान बहुत ही खुश होता है। अब फायरबर्ड उस ड्रीम नट्स को देखता है और एक एक करके ड्रीम नट्स को खाने लगता है और उनको खाने की वजह से फायरबर्ड को गहरी नींद आने लगती है और फिर वह नींद में सो जाता है और वही रेत पर गिर जाता है। अब इवान उससे फायरबर्ड को पकड़ने के लिए सामान निकालता है लेकिन फायरबर्ड वही इवान के पास आ जाता है। अब इवान और पॉल उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फायरबर्ड उन पर आग से फायर करता है और आखिरकार जो ड्रीम नट्स बच जाते हैं फायरबर्ड उनको इवान से मांगता है और उसे खाकर पानी में गिर जाता है, जिसके बाद इवान उसे पानी में से निकालता है और उसकी जान बचाता है और फिर उसे जंजीरों में बांध देता है लेकिन तरस खाकर वह उसे छोड़ देता है। अब फायरबर्ड हवा में उड़कर आसमान में चला जाता है और उसे अपना एक पंख भी दे देता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है और जिसके बाद इवान वापस राजा के महल में आता है। अब फायरबर्ड ना होने की वजह से राजा उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इवान सबको बताता है कि वह फायरबर्ड का पंख लेकर आया है लेकिन फायरबर्ड के पंख में से अब कोई भी रोशनी नहीं निकलती है और जैसे ही वह लोग उसे मारने वाले होते हैं फायरबर्ड चिल्लाता हुआ वहां पर आ जाता है और जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और इधर वह फायरबर्ड का पंख भी अचानक से रोशन हो जाता है और जिसके बाद उस महल की प्रजा इवान को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद राजा को इवान को छोड़ना पड़ता है। अब राजा बहुत परेशान हो जाता है और उसके साथ उसके मंत्री भी बैठे हुए होते हैं। एक मंत्री राजा को एक आइडिया देता है और राजा को कहता है कि आप शादी क्यों नहीं करते। तब राजा कहता है कि मुझसे शादी कौन करेगा। तब मंत्री कहता है कि एक बर्फीला पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है स्काई हाई किंगडम और वहाँ पर एक रानी बर्फ में कैद है जिसे हम इवान को लाने के लिए कहेंगे और अगर वह इस काम में सफल नहीं हो पाए तो हम उसे मार देंगे। और फिर वे लोग इवान को वहाँ पर उस रानी को लाने के लिए भेजते हैं। अब इवान और फाल को उस बर्फीले पहाड़ पर जाना पड़ता है जहाँ पर वो लोग एक चट्टान पर जाते हैं। जब इवान उस बर्फीले महल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वह किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है और फिर वह जब सामने देखता है तो उसके सामने एक बर्फीली दीवार होती है और जिसके बाद इवान अपनी जेब में से फायरबर्ड का पंख निकालता है और उस दीवार को चीरता हुआ अंदर चला जाता है और वह दीवार टूटकर इवान के सामने ही गिर जाती है। अब इवान अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी रानियां सो रही होती है और तभी फायरबर्ड का पंख उड़कर एक रानी के ऊपर आ जाता है और वो रानी उठकर खड़ी हो जाती है और इवान समझ जाता है कि ये वही रानी है जिसे वो लेने आया है। और फिर इवान रानी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। तब जवाब में रानी कहती है कि मुझे तुम्हारे डरपोक राजा से शादी नहीं करनी, क्योंकि अगर वो मुझसे शादी करना चाहते हैं तो वो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए खुद क्यों नहीं आए। और फिर रानी कहती है कि वो कूद कर अपनी जान देने वाली है और फिर इवान और रानी की बात यहीं पर खत्म हो जाती है और रानी जो है चट्टान से कूद जाती है। इवान बिना सोचे उसके पीछे कूद जाता है ताकि वे उसे बचा सकें और जब वो दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं तभी रानी इवान को बताती है कि मैं मजाक कर रही थी, मैं तो इसलिए नीचे कूदी हूँ कि मेरा ड्रेस हवा में उड़ सकता है। और फिर इवान की गलती की वजह से रानी का स्कर्ट फट जाता है जिसके बाद रानी भी अब हवा में नहीं उड़ सकती है। वे लोग नीचे गिरने वाले होते हैं लेकिन तभी समय रहते फाल वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और अब वे लोग रात में एक जंगल में होते हैं। अब हम देखते हैं कि रानी जो है इवान से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस राजा को देखते हैं जो इवान को देखता है जिसके साथ रानी होती है और वे अपने मंत्रियों को बहुत ही ज्यादा कोसता है और मन ही मन सोचता है कि अब उसकी शादी हो जाएगी। और फिर राजा इवान को सोने से भरा हुआ एक कपड़ा देता है और साथ ही साथ उसे महल में एक बहुत बड़ा ओहदा भी दे देता है, लेकिन इवान जो है खुश नहीं होता है और वह भी मन ही मन में रानी से प्यार करने लगता है। और फिर जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही होती है तब इवान महल की सबसे ऊपरी इमारत पर जाकर रानी से मिलता है और उसके साथ कुछ हंसी मजाक करता है और उसे कुछ फूल भी देता है। तभी वहाँ पर अचानक से राजा के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर इवान नीचे गिर जाता है और फिर राजा रानी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन रानी राजा के सामने एक शर्त रखती है और राजा से कहती है कि मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी दादी की अंगूठी लाकर मुझे नहीं दे देते और वो अंगूठी जो है वो समुद्र में है। रानी कहती है कि वह अंगूठी मुझसे समुद्र में गिर गई है जो अब आपको लानी होगी। और इधर इवान दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ बातें सुन लेता है और वो राजा के सामने आ जाता है और कहता है कि अंगूठी लेकर मैं आ जाऊंगा और फिर ये टास्क राजा इवान को दे देता है। अब रानी इस बात से इवान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि अब इवान और फाल आपस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अंगूठी कहाँ होगी इसका किसी को कुछ पता नहीं होता है। और फिर तभी फाल को उसकी माँ की शक्तियों से पता चलता है कि वह अंगूठी जो है उसे एक व्हेल मछली ने खा लिया है और वह व्हेल मछली एक समुद्र के बीचों बीच में है और फाल को उसकी माँ के पावर से उसे वहाँ जाने का डायरेक्शन भी मिल जाता है। और जिसके बाद फाल इवान को अपनी पीठ पर बैठा कर उड़ते हुए समुद्र के पास ले जाता है और वो लोग जब हवा में उड़ रहे होते हैं तभी कुछ पंछियों से टकरा कर इवान समुद्र में गिर जाता है और जहाँ पर वह देखता है कि कुछ जंजीरों में वह व्हेल मछली फंसी हुई है और अब इवान के ऊपर समुद्र की बहुत ही बड़ी लहर आने वाली होती है, लेकिन फाल उसे आकर बचा लेता है। और फिर जब वे दोनों
किनारे पर होते हैं तो व्हेल मछली जोर जोर से आवाज निकालने लगती है, जो फोल मछली की भाषा को ट्रांसलेट करके इवान को बताता है कि इस व्हेल ने बहुत सारे जहाज को निगल लिया है, इसलिए यहाँ के जो सेलर है उन्होंने इस मछली को जंजीरों में कैद कर लिया है। और उसी टाइम फोल को चीख आ जाती है और इसी से इवान को आइडिया आता है। इवान फोल को लेकर मछली के पेट में जाता है और हर तरफ घूमने लगता है और फोल के पंख से गुदगुदी करने लगता है, जिस वजह से व्हेल मछली को छींक आ जाती है और उसकी धीरे धीरे सारी जंजीरें खुल जाती है। अब व्हेल के पेट में जो समुद्री जहाज है वो बाहर आने लगती है और फिर समुद्र के किनारे इवान बहुत अफसोस कर रहा होता है कि उसने तो व्हेल से वे अंगूठी मांगी ही नहीं। और तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है जो इवान को वो रिंग दे देता है और फोल केकड़े की बात को ट्रांसलेट करके बताता है कि व्हेल जो है हर इंसान की बात जानती है, इसलिए उसने ये अंगूठी तुम्हारे लिए भेजी है ताकि तुम राजा को दे सको। और फिर इवान और फोल अंगूठी लेकर रानी के पास जाते हैं, तभी राजा का मंत्री इवान को देख लेता है और फिर इवान रानी को वो अंगूठी दे देता है, जिसे देखकर रानी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और इधर राजा अपनी बंदूक से फोल को गोली मारकर नीचे गिरा देता है और इवान को रानी को किडनैप करके एक जुर्म में काल क्वार्टर में बंद कर देता है और उसके पास से वे फायरबर्ड लेकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। और अब उसे कुछ दिनों बाद सजाए मौत दी जाएगी, जो राजा ने फैसला सुनाया है। और फिर रानी जो बहुत ही परेशान होती है, और उस रानी को अब एक चूजे की मदद से फोल मिलता है और हम देखते हैं कि फोल जो है अभी भी जिंदा है। और फिर रानी फोल को बताती है कि उसने इवान को बचाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया है और वो राजा से बात करती है और उससे कहती है कि वह उनसे तब तक शादी नहीं करेगी जब तक तुम तीन बात टप पानी से नहीं ना लेते। और राजा को कहती है कि पहले बात में गर्म खोलता हुआ पानी होगा और दूसरे बात के टब में बर्फ जितना ही ठंडा पानी होगा और तीसरे बार टब में गर्म दूध होगा और ऐसा करने से तुम जवान हो जाओगे और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फिर तभी वहाँ राजा का मंत्री आकर राजा को आईडिया देता है कि हमें ये सब प्रोसेस पहले इवान से करानी है ताकि अगर वे मर भी गया तो हमारा क्या जाएगा। और फिर रानी फोल को बताती है कि अगर हमें इवान को जिंदा बचाना है तो हमें पहले खोलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी और उससे बचने के बाद हमें ठंडे पानी में उस फायरबर्ड का पंख डालना होगा और तीसरे बार टब में उसे जिंदगी और मौत का फ्लोर डालना होगा जो दुनिया के आखिरी हिस्से में है। और रानी कहती है कि उसे जो भी तोड़ कर लाएगा वह मर जाएगा, मगर फोल बिना सोचे समझे उस फ्लोर को तोड़ने के लिए चला जाता है। फोल तेजी से भागता हुआ उस फ्लोर को लेने के लिए जाता है और उसे तोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीन बड़े बड़े बार टब में वह सारी प्रोसेस रेडी हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पर इवान को भी लाया जाता है। और राजा प्रजा के सामने कहता है कि अगर इवान ने ये तीनों टास्क पूरे कर लिए तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। और इवान को खोलते हुए पानी में फेंक देते हैं और तभी रानी अपनी अंगूठी निकाल कर उसे पानी में डाल देती है और जिसके बाद इवान पहले टास्क को आसानी से पार कर लेता है। और जब दूसरे टास्क में जब इवान ठंडे पानी में गिरता है तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और तभी उस बक्से में बंद वो पंख उड़कर वहाँ आता है और पानी में गिरता है, जिसे इवान उड़कर गर्म पानी से दूध में गिर जाता है और वह बहुत टाइम तक गर्म दूध में से नहीं निकलता है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग दुखी हो जाते हैं और वो लोग समझते हैं कि इवान अब मर चुका है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फोल आ जाता है और उस फोल को गर्म दूध में डाल देता है और फिर इवान उस गर्म दूध से निकल जाता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत और एक राजा की तरह, और सब लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद राजा भी उस खोलते हुए पानी में जाता है, लेकिन राजा एक बबल में फंस कर वहाँ से उड़कर बहुत ही दूर चला जाता है और जिसके बाद वहाँ के लोग अब बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वे राजा उस राज्य के लिए अच्छा नहीं था, वे एक मतलबी इंसान होता है। अब उसके जाने के बाद वहाँ की प्रजा इवान को अपना राजा मान लेती है और तभी रानी और इवान फाल को ढूंढने लगते हैं और हम फाल को देखते हैं जो खुद को मरा हुआ समझता है। और तभी रानी उसे बताती है कि तुम बिना सोचे उस फूल को ले आए, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। अगर तुम डर कर उस फूल को लाते, तुम्हारे हौसले बुलंद नहीं होते तो तुम मारे जाते। अब यह सुनकर इवान बहुत खुश होता है कि फोल उसे कितना प्यार करता है। और आखिर में हम देखते हैं कि इवान और रानी की शादी हो जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।